रेड मुश्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दालिशान लोग में आपको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और पश्तो में आपको पखर्रा ले कहता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे। तो सबको जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा का दिन है और अभी जा रहे हैं नमाज के लिए। तो बाबा जी का वेट कर रहे हैं, वो तकरीबन एक दो मिनट में निकलने वाले। तो मैंने कहा चलो अभी से व्लॉग शुरू करें। तो लास्ट जुम्मा है इस रमज़ान का, तो ज़रूर इस रमज़ान में मुझे भी दुआ में याद रखें, अपने लिए भी दुआ करें। लास्ट जुम्मा है इस रमज़ान का, तो शायद दूसरा जुम्मा ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना है और दुआ में याद रखना है। तो चलो बाबा जी निकल गए, तो चलो चलते हैं। तो ईद आने वाली है और बहुत से कज़न भी जो बाहर रहते हैं, मतलब कोई बटाबाद में रहता है, कोई बाहर कोई काम करते हैं, तो वो सब आ चुके हैं। तो बहुत ही मज़ा करते हैं जब ईद आती है ना, और ये सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो बहुत ही मज़ा करता है। तो इंशाल्लाह इस ईद पर भी बहुत इंजॉय होगी। तो इंशाल्लाह अभी ईद भी आने वाली है और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे और इंजॉय करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा हमारे गांव में ईद किस तरह होता है। तो माशाल्लाह ये जितने भी लेमन है अभी इसने फूल पर पकड़े, देखे फूल इसमें लगे, और इसके बाद आएंगे लेमन, तो ये खूब लेमन पकड़ेगा फिर इंशाल्लाह। इस दफ़ा पहले तो इतना नहीं पकड़ा था, इतना नहीं पकड़े थे लेमन, लेकिन इस बार जो है ना मुझे इस तरह लग रहा है कि लेमन बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह लेमन पकड़ेंगे। ये देखिए सारे भर चुके हैं फूलों से, हर जगह फूल ही फूल है। देखिए एक 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 फूल जो है ना, ये एक एक लेमन पकड़ता है और कुछ लगे भी है, देखिए ये देखिए। तो बस यही गौ की खूबसूरती है कि हर चीज़ फ्रेश मिलता है, हर चीज़ फ्रेश मिलता है, जो भी हो बस फ्रेश ला आ जाओ खेत पे और फ्रेश तोड़ो और फिर खाओ। तो गौ का तो यही सीन होता है, हर चीज़ फ्रेश होता है। ये गाय पालते हैं, दूध, ताज़ा दूध और ताज़ा मलाई दूध से निकला हुआ, और ये घी, देसी घी भी हम निकालते हैं गाय के दूध से। तो हर चीज़ प्योर होता है। और उधर देखिए कितना सुर्ख सुर्ख बादल है, बहुत ही मज़ा कर रहा है आसमान में। देखिए आज माशाल्लाह मौसम भी अच्छा था और बादल भी थे, अभी चले गए, बस ये हल्के हल्के है और टाइम भी इतना नहीं है, तकरीबन 10 मिनट है, 10 मिनट्स रिमेनिंग इन अफ्तारी। तो बस मैं भी गाय को लेके जाता हूँ। माशाल्लाह गाय ने भी खूब खाया, पेट भर चुकी है इसकी। थोड़ा सा चावल और ये गोश्त में दाल डाले, दाल और तरबूज है, और बस ये रूटीन है। लेकिन ज़रूरी क्या होता है, दुआ होती है कि इस टाइम दुआ ज़्यादा से ज़्यादा मांगना है, क्योंकि ये कबूलियत का टाइम होता है और हर किसी को चाहिए कि तकरीबन कम से कम 5 मिनट दुआ करे। तो अभी तकरीबन 5 मिनट है, तो हम चलो करते दुआ, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तो जी अभी कर ली इफ्तारी और जा रहे हैं मस्जिद। ये छोटा सा डॉगी है और ये इधर आता है, लेकिन मैं रोज़ाना इसको खाना डालता हूँ, तो इधर से हिलता भी नहीं है, बस इधर ही होता है। माशाल्लाह यार, आप लोगों के लिए तो बहुत तो आम पड़ा है यार। रूटीन बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें खाना है, बहुत मुश्किल है। मैंने नया गाड़ी भी लिया है, अपनी फोटो आज किधर है करना है।
گھر کی بجلی خراب ہے تو اس کی مرمت کرنی ہے. فاؤدہ غطے وز بھی ہی ختم کا اور شینا استاذ بجلی ٹھیک کر رہا ہے. چاکو گا 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 ناوالا چاکو گھر میں یوں پہلے جاتا ہے ابھی کٹ کر دیکھے. پہلے ہمارا لائن جو ہے نا ادھر سے تھا اور ابھی ڈائریکٹ ہم نے ادھر سے ڈائریکٹ لے کے جائیں گے. अभी कर रहे जुगाड़ अभी जुगाड़ करना है. या अल्लाह खैर यार अभी दीवार पार करना है. अकबर दावे बिजली वाला ये मेन तारे और अभी इधर से जॉइंट देगा. दस के शीना उस्ताद हाँ दस के देता हूँ कंटेनर देने को गुतो ही संगत आवे गुतो बाने मत आओ उस पर बांजे की भी आओ मंगो मत जिम्मेवारी राला ख्याल को दा गुता दे बतावने लगी मना लोड कम कसम مبارک شاہ ماشاءاللہ بجلی ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا سکے واللہ زتا تاری آنے موشی نا استاز تا تخوڑو خیال نکے یار ما دم کری ہے یہ سنگ چا مداری خول مار دم کری ہے ماشاءاللہ ام دم کری دم مستاز سوی خساب آنا بس جزاکاللہ یو کب چھے دوستو کیسا لگا میرا روٹین انشاءاللہ امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا. تو ابھی تقریباً 5 کے 6 منٹ باقی ہیں تراویح کے لیے تو جلدی جلدی سے وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دعا میں ضرور یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.